امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله रसूल उस हिदायत पर ही मान लाया है जो उसके रब की तरफ से उस पर नाजिल हुई है और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी इस हिदायत को दिल से तस्लीम कर लिया है ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं और उनका कौल यह है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते हमने हुक्म सुना और इताद कबूल की मालिक हम तुझसे खताबख्शी के तालिब हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں دالتا. هر شخص نے جو نیکی کمائی ہے उसका फल उसी के लिए है और जो बदी समेटी है उसका वबाल उसी पर है ईमान लाने वालों तुम यूं दुआ किया करो ऐ हमारे रब हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाए उन पर गिरफ्त न कर मालिक हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे परवरदिगार जिस बार को उठाने की ताकत हमें हम नहीं है वो हम पर ना रख हमारे साथ नरमी कर हमसे दरगुजर फरमा हम पर रहम कर तू हमारा मौला है काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर